मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण मामले में आरोप लगाए जाने पर सख्त एक्शन लिया है। 3 दिन में माफी मांगने की मोहलत समाप्त होने के बाद उन्होंने अब कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा और नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करते हुए इसके लिए जरूरी 1.5 लाख रुपए का चेक जमा करा दिया है। 3 जनवरी को हाईकोर्ट खुलने पर उनकी अधिवक्ता शशांक शेखर की ओर से प्रकरण लगाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में अल सुबह 4 से 6 बजे तक होने वाली विशेष भस्म आरती और देर रात 10:30 से 11 बजे के बीच होने वाले शयन आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। ये प्रवेश अगले आदेश तक बंद रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को ही चालू रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है, लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। दूसरे प्रदेशों में पंचायत चुनाव हुए थे, उससे काफी नुकसान हुआ था, लोगों की सेहत पर असर पड़ा था। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। इस बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करूंगा। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं। सूची में निगम और मंडलों में 16 अध्यक्ष व 9 उपाध्यक्षों के नाम हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी को लघु उद्योग निगम बनाया गया है। इंदल सिंह कसाना को MP एग्रो का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से बीजेपी में आए विनोद गुटिया को पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। हल्की गर्मी महसूस होने लगी है, रात में भी ठंड का जोर कम हो गया है। वैज्ञानिक PK सहा ने बताया कि अगले 2 दिन तक इसी तरह से 1-2 डिग्री तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। 26 से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 7 दिन तक शीतलहर से राहत रहेगी।